दोस्तों नमस्कार। क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? हम सभी लोग भगवान को मानते हैं। कुदरत ने हमें एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर पृथ्वी दी है रहने के लिए, और हमारी इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सूरज एक बहुत ही खास, सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर मनुष्य का अस्तित्व संभव है। क्योंकि बिना सूरज की धरती पर कोई भी वस्तु, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि बारिश भी नहीं होगी। सूरज हमारे लिए कितना खास है, यह बात आपको हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे। दोस्तों यह बात काल्पनिक जरूर है, पर अगर असल में ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस बात को आप इस वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों इसको पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल बिल्कुल से दहल जाएगा। सूरज ही वो चीज़ है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपनी चारों तरफ घुमाता रहता है। लेकिन सूरज के गायब हो जाने की वजह से सौर मंडल के सारे ग्रह अपनी जगह से हिल कर अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। पृथ्वी भी बिना किसी कंट्रोल के अंतरिक्ष में इधर उधर तैरने लगेगी। धरती के एक एक साइड दिन का समय चल रहा होगा तो दूसरी साइड रात होगी, और अभी भी पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होगा और हमको आसमान से सूरज भी नज़र आएगा। क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचाने के लिए करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड पर धरती पर अंधेरा छा जाएगा और लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है, अचानक अंधेरा क्यों हो जाएगा। दिन में आसमान के सारे तारे नज़र आने लगे, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से वो हमारे नहीं दिखते हैं। लेकिन अब सूरज की गायब हो गया तो सारे तारे भी नज़र आएंगे। सूरज के गायब हो जाने की वजह से चांद और बाकी सारे ग्रह जो सूरज की रोशनी के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो सूरज के गायब हो जाने की वजह से कुछ भी मिनट में सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे। एक घंटे के भीतर ही आधी दुनिया के लोगों यह समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जहाँ रात भी वहाँ तक भी खबर हो चुकी होगी कि धरती के दिन वाले भाग में भी अचानक रात हो गई है। सारी दुनिया इस घटना से हैरान हो जाएगी। अंतरिक्ष के बारे में अद्भुत रोचक जानकारी। दोस्तों पृथ्वी के वातावरण में धीरे धीरे नमी कम हो जाएगी और धरती धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगेगी, क्योंकि धरती के अंदर बहुत सारी ऊर्जा और ज्वालामुखी है। इसकी वजह से यह अभी भी गर्म रहेगी और ज़्यादा कुछ बर्फ नहीं पड़ेगी। सूरज के गायब हो जाने के 24 घंटे बाद ही सूरज नहीं निकलता तो सब लोग सूरज के आने की उम्मीद कर रहे होंगे। सुबह के 8 से 9 बजे गए होंगे, फिर भी सूरज आ नहीं रहा है। पूरे देशों की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसका हल पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। अब धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 8 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। सारे पेड़ पौधे और जानवर इस बदलते मौसम के चलते कमज़ोर होने लगेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समुद्री जीवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूरज के बिना पृथ्वी के वातावरण में मौजूद ऊर्जा 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी, और एक सप्ताह में ही पृथ्वी का वातावरण माइनस में चला जाएगा, जिसके चलते पृथ्वी पर मौजूदा सारा पानी और लिक्विड बर्फ बन जाएगा। पानी की बर्फ बन जाने की वजह से इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर्स केबल समुद्र के अंदर बिछाए होते हैं। लेकिन पानी के बर्फ के हो जाने की वजह से ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स भी नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सारी दुनिया की बिजली भी चली जाएगी, क्योंकि बिजली भी पानी की मदद से ही उत्पन्न होता है। इसी तरह दुनिया में सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैलेज काम करना बंद कर देंगे। कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर मौजूद ज़्यादातर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा शाकाहारी जानवर भी धीरे धीरे मर जाएंगे, और सारे आसमान के तारे भी अलग अलग तरह से दिखने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरते तैरते आगे निकल चुकी होगी। एक महीने बाद धरती पर तापमान माइनस चालीस डिग्री तक नीचे चला जाएगा, और हमारी नीचे नीले रंग की पृथ्वी बर्फ की वजह से अंतरिक्ष से सफ़ेद रंग की दिखाई देने लगेगी। धरती के सारे पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे। समुद्र के जमजमाने की वजह से सारे समुद्र जीव मर जाएंगे। सिर्फ ज्वालामुखी के आसपास वाली नदियों में ही पानी बिना जमा रहेगा। एक दो महीने में ही पृथ्वी अपने मानव रहित
सारे इंसानों का अस्तित्व मिट जाएगा। धरती पर मौजूद सारे बिल्डिंग बर्फ से जम जाएंगे। चारों तरफ बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आएंगी। भले ही पृथ्वी के ऊपर तापमान -40 डिग्री के अधिक हो गया हो, फिर भी पृथ्वी के निचले हिस्से में इसका भूतापमान अभी भी कम रहेगा, जिसके चलते कुछ समुद्री जीव, वो जो बहुत ही गहराई में रहते हैं, वो जीवित रहेंगे। लेकिन बिना सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ती रही होगी, और संभव ही है कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सारी पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाएगी और कुछ ही सेकंड में सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मतलब बिना सूरज की पृथ्वी कुछ ही महीनों में तबाह हो जाएगी। या तो वो किसी क्षुद्र ग्रह से टकरा जाएगी या ब्लैक होल को खा जाएगा बनेगी, लेकिन इसका नष्ट होना तय ही है। दोस्तों, इस आर्टिकल को हमने, इस वीडियो को बहुत ही अच्छा से कोशिश किया है और हमें उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलें।